वेलकम सर टू माय मेरा यूट्यूब बाइसेप कब चैनल बनेगा फिटनेस या मेरा चैनल बाइसेप हुसैन। क्यों नहीं बन रहा और है? तो भाई मेरा जब आंसर मुकेश जी है का कि बाइसेप्स आपका का बाइसेप वर्कआउट है, बनना फुल शुरू बाइसेप्स हो का चुका है। वर्कआउट अगर आप आप रेगुलर ये कंसिस्टेंटली देखिए, डेली लाइक करते और हैं, शेयर अच्छी कमेंट डाइट शेयर करते हैं, कीजिए। गुड स्लीप है, थैंक तो यू मैं सो इंश्योर मच। करता हूँ कि आपका बाइसेप बनना शुरू हो चुका है। देखो, जब अगर आप पहले जितना वेट उठाते थे उससे ज्यादा वेट अब उठाने लगे हैं तो आपका काम शुरू हो चुका है। आप पहले जिस वेट से 8 रैप लगाते थे अब उसी वेट से आप 12 रैप लगाने लगे तो भैया आपका बाइसेप बनना शुरू हो चुका है। आपका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ गया, आपका एंड्योरेंस बढ़ गया। आप जितना रेस्ट पहले लेते थे 2 सेट्स के बीच में अब उसी लोड को आप उतने ही रैप को पहले से कम रेस्ट के साथ कर पा रहे हैं। आपका स्टेमिना भी इंक्रीज हो गया, आपका रिकवरी रेट फास्ट हो गया, मसल्स का मसल आपके जल्दी रिकवर करने लगे। और पहले आप 2 एक्सरसाइज करने में ही थक जाते थे, अब आप 3, 4, 5 एक्सरसाइज करने लगे। इट मीन्स आपकी कैपेसिटी बढ़ गई ट्रेनिंग करने की, आपका पोटेंशियल बढ़ गया। और देखो, मान लो आपका बाइसेप पहले 16 इंच था और आपका फैट परसेंटेज 20-22% था और अभी भी आपका बाइसेप का साइज 16 इंच ही है लेकिन आपका फैट परसेंटेज 15-16 पे आ गया, यानी आपका फैट कम हो गया, साइज उतना ही है, तो इट मीन्स कि आपका मसल ग्रोथ हो गया है। तभी तो साइज उतना का उतना फैट कम होने के बाद भी आपका मसल ग्रोथ कर गया है। तो कई फैक्टर हैं जो आपको ये दिखाएंगे कि आपका काम शुरू हो चुका है, आपका मसल गेन होना शुरू हो चुका है। देखो, छोटा मसल है, विजिबल चेंजेज आने में, आप सोचे 2 से 3 इंच का क्यों नहीं बढ़ रहा, वो चेंजेस आने में टाइम लगेगा। बड़े मसल थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाते हैं। फिर सिर्फ बाइसेप नहीं है ना, आर्म्स का साइज आपके ट्राइसेप्स से और बाइसेप्स दोनों का मिला जुला असर है। ट्राइसेप बड़ा मसल है, बाइसेप थोड़ा सा कंपेरेटिवली छोटा मसल है। आप दोनों पे बराबर फोकस करें, कंसिस्टेंटली अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छी डाइट फीड करें, सही सप्लीमेंटेशन करें, अच्छी नींद लें। मैं गारंटी करता हूँ आप डेफिनेटली अपनी ड्रीम बॉडी बना लेंगे। रोज रोज फीता नहीं उठा के खड़ा होना, बाइसेप क्यों नहीं बढ़ रहा, आपका काम शुरू हो चुका है। आप फील करें इन चेंजेस को जो मैंने बताए हैं। थैंक यू दोस्तों। बारबेल कर्ल का ये मूवमेंट जो बुक स्टाइल में है ये गलत है। दूसरा मैंने दिखाया है जिसमें हम बॉडी से थोड़ा मोमेंटम भी लेते हैं और एल्बो भी थोड़ी ज्यादा लिफ्ट, आप देख भी रहे हैं, ये भी गलत है। तीसरा मोमेंटम है जिसमें मैंने, इसमें भी बॉडी से मोमेंटम लिया, मैंने नीचे थोड़ा झुक के और मैंने बार को उठाने में हेल्प लिए, आप देख रहे हैं, जैसे थोड़ा सा अपने आप को बेंड करके बार को उठाया, ये भी गलत है। ये फोर्थ मूवमेंट है जिसमें थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट भी है, थोड़ी सी एल्बो उठी है, ये भी गलत है। अब ये चारों मूवमेंट गलत भी हैं और चारों के चारों सही भी हैं। डिपेंड करेगा आपकी बॉडी मैकेनिक्स क्या बोलती है, आपकी बॉडी क्या बोलती है, कहाँ पे आपको किस मूवमेंट में मैक्सिमम स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन फील होता है मसल पे, किस मूवमेंट में आपका मसल माइंड कनेक्शन शार्प बनता है, आप उस मूवमेंट को, मसल का जो मूवमेंट उसको फील कर पाते हैं। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चूज करना है। इन चारों मूवमेंट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है लेकिन आपको कौन सा मूवमेंट अपने लिए बेस्ट लगता है वो करना। सभी एक्सरसाइज, कोई भी बॉडी पार्ट हो, आपकी बॉडी क्या बोलती है उस पर जाना आपने। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो जो फोर्थ मूवमेंट है ये वाला जो मैंने लास्ट में दिखाया था, मैं तो मैक्सिमम फील जो अपने बाइसेप पर करता हूँ इसी मूवमेंट में करता हूँ और मेरा स्टाइल भी यही है। हाँ, जब मैं दूसरे को बताऊंगा तो कौन सा बताऊंगा, जो मैंने फर्स्ट दिखाया, जो बुक स्टाइल जिसको बोलते हैं कि भाई आपको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, एल्बो ज़्यादा नहीं उठना चाहिए, नीचे पीक अपने पूरा एल्बो को स्ट्रेच होने देना है, नीचे स्लो आना है, ऊपर थोड़ा फास्ट उठाना है, ये पहले पहले वाला जो मूवमेंट था उसमें ये सब चीज़ें अगर किसी को सिखाएंगे तो ये सिखाएंगे। ओवर द टाइम जो वो करेगा ना खुद से एक्सरसाइज तो उसकी बॉडी मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अपने मूवमेंट को थोड़ा सा खुद पे खुद शिफ्ट कर लेगी। तो मैसेज यही है कि दूसरे को देखना तो है पर कॉपी नहीं करना, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मूवमेंट को सेट करना है। जो मुझे लगता है इन चारों मूवमेंट से आपको समझ में आ भी गया होगा। थैंक यू दोस्तों। बाइसेप ट्रेनिंग के लिए एक शॉकिंग एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। पहले अपना नॉर्मल प्रीचर कर्ल कर लिया आपने, फिर डंबल कर्ल कर लिया, इसके बाद बारबल आप पकड़ें, इजेड बारबल या स्टेट बार जो आपने करना है। एक ऐसा वेट चूज करें जिससे आपके 15-16 रैप आ जाए, यहाँ आपका मसल फेल कर जाए। उसके बाद बार को रखें, 10 सेकंड रेस्ट करें, तुरंत बार को उठा के फिर सेट लगाएं, जितने रैप आप लगा सकते हैं फिर रखें, 10 सेकंड रेस्ट करें, फिर सेट लगाएं अपना, फिर 10 सेकंड पॉज करके फिर से सेट लगाएं। जब आपके 3 रैप भी आना टफ हो जाएंगे तो वो आपका सेट फिनिश हो जाएगा। इस तरीके का ये एक ही सेट आपको काफ़ी है बहुत जबरदस्त मसल को एग्जॉस्ट करने के लिए बाइसेप की। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 5-5 की प्लेटें दोनों साइड लगा रखी हैं, आप देख रहे हैं। शुरू के सेट में 15 आए, फिर सडनली ड्रॉप हो गया सेकंड, 10 सेकंड रेस्ट किया मैंने, फिर लगाए तो 9 रैप आए, फिर 8 रैप आए, फिर 7 रैप आए, 6, फिर 5-5 रैप 2 बार, 4 रैप आए और फिर उसके बाद तीसरा रैप मेरा पार्शियल आया, जैसे आधा ही रैप आया, तो यहाँ पे मेरा सेट फिनिश हो गया। आप करेंगे अगर तो बहुत जबरदस्त आपको बाइसेप में पंप फील होगा। मैंने तो हालांकि बहुत सालों बाद की है और इसको आप या तो बाइसेप ट्राइसेप में कर सकते हैं अप्लाई किसी एक्सरसाइज में, या किसी आइसोलेशन मूवमेंट में जैसे डंबल फ्लाइज है, केबल फ्लाइज है, डंबल लेटरल रेज है शोल्डर के लिए, लेग एक्सटेंशन है, इस तरह की एक्सरसाइज में। कंपाउंड मूवमेंट में ट्राई नहीं करना है, उसमें हो भी नहीं पाएगा, बड़ा एक्टिव हो जाएगा।
दोस्तों बारबल कर्ल में आपकी पहली मिस्टेक शुरू होती है इस कंफ्यूजन से कि स्ट्रेट बारबल करें या इजेड बारबल कर्ल। देखो अगर आपके फोरआर्म में कोई पेन का इशू नहीं आता तो स्ट्रेट बारबल कर्ल नंबर वन एक्सरसाइज बाइसेप के ग्रोथ के लिए, उसी से हिट करें। अगर आपके रिस्ट में या फोरआर्म में कोई पेन का इशू आता है बारबल कर्ल से तो फिर इजेड बार आपके लिए बेस्ट है। नंबर टू आपका ग्रिप स्टांस, अपने शोल्डर की बीच से ग्रिप करें, दैट इज आइडियल। नंबर थ्री आप वेट बहुत हल्का चूज कर लेते हैं, आपका रैप जो टारगेट रैप था वो पूरा हो जाता है, स्टिल आपके अंदर पावर और रैप लगाने की और आप सेट को वहीं छोड़ देते हैं। वेट ऐसा चूज करो जिससे आपका टारगेट रैप तक आते आते आपका मसल फेल कर जाए। नंबर फोर पार्शियल मूवमेंट, ये देखो अब पूरा आप बाइसेप को ओपन कर ही नहीं रहे, पूरा नीचे आ ही नहीं रहे, ऊपर ऊपर आधे आधे मूवमेंट कर रहे हो, ये भी गलत है। पार्शियल मूवमेंट कभी नहीं करना किसी भी एक्सरसाइज में, आपको आना यहां तक था आप यहां रोक लेते हैं, आना नीचे तक था पूरा बाइसेप को ओपन करना था लेकिन आप यही रास्ते में रुक जाते हैं, तो ये भी गलत है। नंबर फाइव आप बॉडी से स्विंग लेते हैं, हिल डुल के झूल के वेट उठाएंगे, इस बीच आपने ज्यादा वेट लगा रखा है, आपके कंट्रोल से बाहर है, आपकी कैपेसिटी नहीं वेट को उठाने की, इसलिए आपको बॉडी से मोमेंटम लेना पड़ता है, ये भी गलत। नंबर सिक्स आप एल्बो को बहुत ज्यादा स्विंग कराते हैं, ये इतना एल्बो उठा के करेंगे ये भी आपके शोल्डर की हेल्प लेना ही हो जाता है। बाइसेप को हिट करना तो सही मूवमेंट ये है जैसे मैंने अब दिखाया है, ग्रिप स्टांस सही है, बार मैंने अपने हिसाब से चूज की है, वेट भी आइडियल है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है 12 रैप के आसपास मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, और बॉडी से स्विंग भी नहीं लिया ज्यादा, एल्बो भी मेरी फिक्स है साइड में, और मैं आखिरी रैप तक गया हूं जब मुझे लगता है कि इस रैप के बाद मैं ओवर करूंगा तो मुझे या तो चीट करना पड़ेगा या हेल्प लेना पड़ेगा, तो इस मोमेंट तक जाना आपने और ये मोमेंट 12 से 14 रैप के अंदर आपका आ जाना चाहिए, तो ये सही तरीका आप करेंगे आपको बेटर कॉन्ट्रेक्शन मिलेगा बाइसेप पे, जल्दी बाइसेप आपका ग्रोथ करेगा। थैंक यू दोस्तों। बाइसेप डंबल कर्ल देखने में तो आपको लगता है कि हम सब ऐसे ही करते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियां जो ज्यादातर बिगिनर्स या एडवांस एथलीट करते हैं। अब एडवांस एथलीट को तो चलेगा क्योंकि वो उसका मसल मैच्योर है, उसका माइंड मैच्योर है, वो अपने आप मसल को पकड़ लेता है, बिगिनर्स को नहीं चलेगा। जैसे नंबर वन आप बॉडी से बहुत ज्यादा स्विंग करके फिर डंबल उठा रहे हो, ये वाला गलत है। आप बॉडी का मोमेंटम लेके डंबल को उठा रहे हो मतलब आप जरूरत से ज्यादा हैवी वेट करने की कोशिश करते हो तब होता है ये। नंबर टू आपने बॉडी को स्टेबल कर लिया लेकिन अब आपका आर्म स्विंग कर रहा है, आपका बाजू स्विंग कर रहा है, हर बार एल्बो पीछे ले जाके आप फिर डंबल को उठा रहे हो, इसमें भी आप स्विंग करके हेल्प ले रहे हो, थोड़ा सा कम कर लो वेट प्रेशर का अगर ऐसा होता आपके साथ तो। नंबर थ्री आपने पूरा वेट आप नीचे नहीं लेके आते जैसे दिखाया, एल्बो को बैंड रखते हो उसमें आपको उठाना इजी हो जाता है वेट को, लेकिन फुल रेंज ऑफ मूवमेंट तो आपको नहीं मिला ना, बाइसेप पूरा खुला ही नहीं, बॉटम से डंबल को लेके आना था वो हुआ ही नहीं, तो ये भी तभी होता है जब आपको डर रहता है कि मैं नीचे जाऊंगा तो फिर ये डंबल उठेगा नहीं मेरे से। नंबर फोर आप एल्बो बहुत ज्यादा रेंज कर लेते हैं जैसे ये इसमें दिखाया, ऊपर बहुत ज्यादा आपने एल्बो को उठा लिया, साथ में आपका शोल्डर भी टॉर्चर हो गया, काम अपने बाइसेप को करना था, आपने बाइसेप बिल्ड करना था, साथ में शोल्डर को भी टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसको भी अवॉइड करना है। सही मूवमेंट ये है, हर बार आपने नीचे से दोनों साइड में डंबल को फिक्स करो, अब यही इसी पॉइंट से हर बार डंबल उठेगा, यही पे आगे रुकेगा, जैसे आप देख रहे हैं एल्बो बहुत ज्यादा नहीं उठेगी, थोड़ा बहुत चलेगा, बहुत हल्का सा स्विंग भी चलेगा बॉडी का लेकिन ज्यादा नहीं, जैसे देख रहे हैं आप ये परफेक्ट है, हर बार इसी पॉइंट पे डंबल आएगा इसी से उठेगा, हर रैप में यहीं पे आगे रुकेगा डंबल यहीं से उठेगा, इस तरीके से आप करेंगे तो आपके बाइसेप पे जल्दी पंप आएगा, बेटर आप फील कर पाएंगे, मसल माइंड कनेक्शन भी बेटर रहेगा आपका क्योंकि अब दिमाग आपका बटा नहीं हुआ है, बॉडी में स्विंग करानी है, एल्बो भी उठानी है, शोल्डर को भी लोड आ रहा है, जहां कर रहे थे ट्रेनिंग वहां पे फोकस हट जाता है आपका, तो सही मूवमेंट करें और जल्दी मसल को बिल्ड कर सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों। बाइसेप सिर्फ 20 मिनट में बन जाता है, या मैं ये कहूँ कि बाइसेप की ट्रेनिंग सिर्फ 20 मिनट लेती है। देखो जब भी कोई भी आप सेट बाइसेप का लगाते हैं 20 से 30 सेकंड में एक सेट फिनिश हो जाता है, 20 से 30 सेकंड में, एक मिनट इसके साथ रेस्ट टाइम जोड़ लो फिर आप सेट लगाने के बाद, तो टोटल आपने टाइम खर्च किया एक सेट में 1.5 मिनट, चार सेट में 6 मिनट, और अगर आप मैक्सिमम चार एक्सरसाइज भी करते हैं तो 24 मिनट में पूरी बाइसेप ट्रेनिंग फिनिश। और बाइसेप छोटा मसल है जल्दी रिकवर करता है, इसमें आप 45 सेकंड का भी रेस्ट लेंगे ना वो भी चल जाएगा, अगर आप 45 सेकंड का रेस्ट लेते हैं तो 20 मिनट में ट्रेनिंग फिनिश। आप एक एक घंटा लगा देते हैं, या तो आप रेस्ट टाइम बहुत ज्यादा करते हैं जो कि गलत है, या फिर आप सेट्स और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लगाते हैं वो भी गलत है। एक घंटे में तो आपका पूरा बाइसेप की ट्रेनिंग, ट्राइसेप की ट्रेनिंग और फोर आर्म्स तीनों कंप्लीट हो जाने चाहिए, लेकिन आप सिर्फ बाइसेप लगाने में एक घंटा लगा रहे हैं, आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा। 20 मिनट सफिशियंट है, छोटा मसल है, पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पे रखें और इंटेंस ट्रेनिंग करें, लंबी ट्रेनिंग के बजाय अच्छी इंटेंस ट्रेनिंग करें तो जल्दी ग्रोथ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वेट कैसे बढ़ाएं अपने जो जिस एक्सरसाइज को आप कर रहे हैं। देखो जैसे आज अपनी ट्रेनिंग को नोटिस करें आप, एग्जांपल के लिए मैं बारबेल कर्ल दिखाया आपको, जैसे आज मैंने बारबेल सेट लेने के बाद मेरा एक वर्किंग सेट है जिसमें ईच साइड 20 kg वेट है, अब मेरे इसके 8 से 10 रैप मेरे टफ हो रहे हैं, मैं इन्हीं 8-10 रैप को 12 से 14 रैप तक लेके जाऊंगा, चाहे मुझे 2 ट्रेनिंग लगे, 3 लगे, 4 ट्रेनिंग लगे, जब वो 12 से 14 रैप मेरे टफ हो जाएंगे, मेरे 3-4 रैप बढ़ गए, अब मैं लोड बढ़ा दूंगा, 2.5 किलो बढ़ा दिया मैंने, वो उस तक 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, फिर वो 2.5 किलो लोड मैंने बढ़ाया है, अब वापस से आपके रैप कम हो जाएंगे, फिर 8-10 रैप टफ हो जाएंगे आपके, फिर इसको 12 से 14 रैप लेके जाना है, जितनी भी ट्रेनिंग लगेंगी आपकी, इस तरीके से ग्रेजुअली आपने लोड को बढ़ाना है। या कोई भी और एक्सरसाइज है जैसे स्क्वाट्स ही है, अब ये 160 kg के मैंने 8 रैप लगाए, अगर मैं इसी मैं जब धीरे धीरे 2-3-4 ट्रेनिंग के बाद 12 से 14 रैप लगाने लग जाऊंगा इसी 160 kg के,
तो मैं इसको 170 या 180 केजी करके फिर 8-10 रैप पे आ जाऊंगा, फिर रैप बढ़ाना शुरू करूंगा। तो जब रैप बढ़ जाएंगे तब आपने लोड बढ़ाना है, लेकिन एक कंडीशन है, जो आपका रेस्ट बिटवीन सेट्स है ना वो हमेशा एक जैसा रहे। ऐसा नहीं कि इस ट्रेनिंग में आपने 2 मिनट रेस्ट किया, नेक्स्ट ट्रेनिंग में 5 मिनट रेस्ट करके आपने रैप ज्यादा लगा दिए। उसी रेस्ट टाइम को मेंटेन रखते हुए आपने लोड, उसी लोड पे रेपिटेशन बढ़ाने, ये जरूर ध्यान रखना है। रेस्ट बिटवीन सेट्स बहुत मैटर करता है। तो इस तरीके से आपने ग्रेजुअली अपने लोड को बढ़ाने पर काम करना है, यही इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग है, इसी से आपका मसल ज्यादा ग्रोथ होगा। थैंक यू।